वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग कुछ इस तरीके से है कि हम जाएंगे डिस्कवरी गार्डन और वहाँ मिलने वाले हैं हमारे को एक यूट्यूबर है जो हैं कि नेपाल से। चलो जी अब चलते हैं हम मेट्रो से। यह मेट्रो स्टेशन पहुँच गए हैं और मेट्रो भी आ गई है, अब चलते हैं हम। ये आप देख सकते हैं कि हम पहुंच गए फाइनेंशियल सेंटर और यह है दुबई का फ्यूचर म्यूजियम। इसमें दिखाया जाता है कि यूएई का फ्यूचर कैसा होगा और स्पेस में जाने का एहसास भी दिलाते हैं और ये काफ़ी अच्छा है। ये इस पे इसी साल ही 22 फरवरी 2022 को ओपनिंग हुआ था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यह है JLT का एरिया जिसमें अलग अलग क्लस्टर होते हैं और हर एक क्लस्टर में तीन तीन बिल्डिंगें होती हैं। और यहाँ पे जो ये बिजनेस सेंटर है इसके पीछे जो ब्लैक टावर है इसके अंदर मैंने काम किया है तकरीबन 2 साल। और जो इसके पीछे वाला जो टावर है ये अभी बना है, वाइट के पीछे जौन सा है। और उन टाइम पर हम रहते थे यहाँ पर ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स, यहीं पे आप देख सकते हैं। ये जो ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे पहले ये हॉस्पिटल बन रहा था जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके पीछे की बिल्डिंग है जो तीन, इनमें हम रहते थे। और यहाँ थोड़ा ग्राउंड टाइप का है, यहाँ पे काफ़ी पार्किंग का एरिया है, यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे। और अब हम पहुंच गए हैं इधर, ये आप देख सकते हैं बतूता मॉल इस तरफ। और यहाँ पे इस एरिया में कुछ फेमस चीज़ें हैं जैसे ये अटलांटिक द प्लाम और बुर्ज अल अरब जो 7-स्टार होटल है, बहुत खूबसूरत। और ऊपर से हेलीपैड भी है, इसमें समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है। और यहाँ पे नज़दीकी एन दुबई भी है। बतूता मॉल के अंदर का कुछ सीन आप देख सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं द गार्डन की तरफ। द गार्डन में आप देख सकते हैं कि खूब अच्छा हरा भरा माहौल है, हरी हरी घास पत्तियाँ, फूल वगैरह, अच्छा अच्छा गार्डन है इधर। बहुत शांत माहौल है इधर का और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं, बहुत खूबसूरत है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चिड़ियाएँ भी बहुत हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे और रेजिडेंशियल बिल्डिंगें। यहाँ पे बच्चों का खेलने का पार्क, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी, यहाँ पे पार्किंग एकदम फ्री है। पूरे दुबई में सिर्फ इस एरिया में ही पार्किंग फ्री है। और ये है द गार्डन जिसका नाम है डिस्कवरी गार्डन। तो कुछ इस तरीके से है यहाँ का, बहुत अच्छा वातावरण है और यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं है। तो यहाँ पे रूम वगैरह बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे लेबर लोग बहुत रहते हैं, यहाँ पे फैमिली के लायक भी बहुत अच्छा है। तो कुछ ऐसा था। तो हमारे साथ जो कैमरामैन बने हुए हैं प्रमोद सर हैं, जिनका एक ऑलरेडी यूट्यूब पे चैनल है, तो ये कुछ सिखा रहे हैं मेरे को थोड़ा बहुत। तो चलो देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट आता है इनके सिखाने के बाद।
वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। नीचे वाला लाल वाला बटन में पत्थर मारो, चप्पल मारो, किसी भी तरह उसका सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। भाई लोगों, यहाँ दुबई में मैंने इनका काम स्टार्ट किया है, प्रॉपर्टी डीलर। तो ये प्लॉट हैं, जो भी आदमी खरीदना चाहे प्लॉटों को छोटे छोटे, तो मेरे से संपर्क करें, ठीक है। ये फ्रंट वाले तो नहीं बेचेगा मैं, ये दुकान के लिए है। पीछे वाले जिसको भी चाहिए होंगे तो बता देना, और रास्ते अपने हिसाब से देख लेना भाई, ठीक है। इतने छोटे छोटे प्लॉट है, रास्ता है ये, इसमें आप गाड़ी का रास्ता बनाओ चाहे साइकिल का रास्ता बनाओ, ये आपके लिए है, ठीक है। और ये भी ये प्लॉट भी बिका हुआ है, ये छोटे छोटे प्लॉट हैं।